जी खबर शामिल करते हैं हारूनाबाद के इलाका फकीर वाली से। 124 सिकसार में 5 साल बच्ची से ज्यादती का मामला, इसी पर बात करते हैं। हमारे ब्यूरो चीफ एहसानुल हक मौजूद हैं। जी एहसानुल हक, बताइएगा मुलजम के खिलाफ किन दफात पर मुकदमा दर्ज किया गया जी है? बिल्कुल, फकीर वाली के नवाइया गांव 124 सिकसार में 5 साल बच्ची दुकान से टॉफियां खरीदने गई तो नूर हसन दुकानदार ने अपनी हवस का निशाना बनाना चाहा। बच्ची की चीखो पुकार सुनकर शोर वर्रा से अहले मोहल्ला इकट्ठा हो गया, जिनको देखकर दुकानदार नूर हसन फरार हो गया। 5 साल बच्ची की वालदा फरियाद लेकर थाना फकीर वाली पहुंच गई। बच्ची के वालिद का कहना है कि इस दुकानदार ने 6-7 माह पहले भी एक कमसिन बच्ची के साथ ज्यादती करने की कोशिश की थी, लेकिन सजा ना होने की वजह से इसने दोबारा एक और कमसिन बच्ची को अपनी जिंसी हवस का निशाना बनाने की कोशिश की। पुलिस थाना फकीर वाली के SHO परवेज अख्तर जतोई की बरवक्त कार्रवाई, मुलजम के खिलाफ वालदा की मदयत में दफा 376, 511, 377 मुकदमा दर्ज कर लिया गया। एहसानुल्लाह, ब्यूरो चीफ, 88 न्यूज, हारूनाबाद।